सूबे के मुखिया के द्वारा जहां लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए सभी लोगों को 2 गज की दूरी व मास्क जरूरी है, वहीं पर आज घूरपुर थाना अंतर्गत कंजासा गांव में कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों की धज्जियां कोई और नहीं बल्कि सरकारी मुलाजिम ही उड़ा रहे हैं। जहां अभी भी प्रयागराज जिले में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग मास्क लगाना जरूरी नहीं समझते हैं। कुछ इसी प्रकार से आज घूरपुर थाना क्षेत्र के कंजासा गांव में सरकारी राशन की दुकान की चयन प्रक्रिया में पहुंचे प्रशासनिक व पुलिस विभाग के अधिकारियों के द्वारा सैकड़ों की संख्या में जमा होने वाली भीड़ के बीच बिना मास्क के ही घूमते हुए देखे जा रहे हैं, जबकि इन्हीं पुलिस के जवानों के द्वारा प्रतिदिन लोगों से मास्क के नाम पर आम जनमानस से मास्क न लगाने पर 100 रुपए का जुर्माना वसूला जाता है। लेकिन कंजासा गांव में पहुंचे पुलिस व पीएसी के जवानों के साथ जसरा ब्लॉक के अधिकारी भी बिना मास्क लगाए ही सैकड़ों लोगों की भीड़ में यूं ही घूमते हुए देखे जा रहे हैं। क्या इन अधिकारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा नहीं है? जब पब्लिक के बीच में आम लोगों से मास्क न लगाने पर यही दरोगा जी 100 रुपए का सम्मन शुल्क काटते हैं। बलिया के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित पूर्व मंत्री नारद राय ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। सपा नेताओं ने 9 सूत्री मांग पत्र महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा और कहा कि जल्द से जल्द समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो इससे भी उग्र आंदोलन होगा। पूर्व मंत्री नारद राय का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से सदर तहसील के वोहा एवं प्रसिद्ध सुरहा ताल क्षेत्र के लगभग 50 गांव हजारों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि जलमग्न है, जिसकी खरीद एवं रवि की फसलें चौपट होती जा रही हैं। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द जल निकासी एवं फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु राहत पैकेज किसानों को देना चाहिए। चहलुम के अवसर पर प्रयागराज में करबला के 72 शहीदों के चहलुम के अवसर पर सड़कों पर कोई जुलूस नहीं निकला। अजा खानों व इमाम बारगाहों के अंदर ही गमजदा माहौल से चहलुम की मजलिस हुई और मातमी अंजुमनों ने नहर मातम का नजराना पेश करते हुए करबला के 72 शहीदों को नम आंखों से खिराज अकीदत पेश की। रानी मंडी स्थित इमाम बाड़ा आजम हुसैन से कदीमी चहलुम जुलूस नहीं निकाला गया। मौलाना जवाद हैदर की कयादत में ठीक 12 बजे नमाज अदा की गई। इमाम बाड़े के अंदर मौलाना जवाद हैदर रिजवी ने मजलिस को खिताब करते हुए करबला के 72 शहीदों का मार्मिक अंदाज में जिक्र किया। मजलिस के बाद शबीह ताबूत इमाम हुसैन व जुल जनाह की शबीह निकाली गई। नौहा और मातम का सिलसिला शुरू हुआ तो एक के बाद एक मातमी दस्तों ने पुरदर्द नौहा ख्वानी ने माहौल को गमजदा बना दिया। सबसे पहले अंजुमन अब्बासिया के नौहा ख्वान डॉक्टर अबरार फैज जाफरी, सैयद हुसैन मेहंदी, सादिक, अरशद जाफरी आदि ने गमगीन नौहा पढ़ा। उसके फौरन बाद अंजुमन शब्बीरिया के नौहा ख्वान मोहम्मद फैज, शफक, गदीर हैदर, तारिक अब्बास, शाजू आदि ने करबला के शहीदों को याद करते हुए नौहा और मातम का नजराना पेश किया। वहीं दरियाबाद की अंजुमन हुसैनिया कदीम के शाह बहादुर व हुसैन बहादुर की कयादत में नौहा ख्वानी करते हुए हुसैन मजलूम को पुरसा पेश किया। इमाम बाड़ा आजम हुसैन के गेट के बाहर सैनिटाइजर और मास्क का एक कैंप लगाया गया था, जहां लोगों को सैनिटाइज करने के उपरांत ही प्रवेश कराया गया। इमाम बाड़ा प्रांगण में रखे ताबूत इमाम हुसैन गाजी अब्बास का अलम, जुलजना हजरत अली असगर का झूला, आबिदे बीमार का बिस्तर, ताजिया समेत सभी तबरुकात की जियारत लोगों को कराई गई। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर आने वाले श्रद्धालु कोविड-19 से सुरक्षित हों, इसको लेकर रेलवे स्टाफ कई सारे जरूरी उपायों को कर रहा है। आज अयोध्या रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधीक्षक महेंद्रनाथ मिश्र ने रेलवे कर्मचारियों को कोविड-19 से बचने के उपाय की शपथ दिलाई। इन दिनों अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की धीरे धीरे संख्याएं बढ़ रही है। अयोध्या से 3 ट्रेनें होकर गुजर रही हैं, जिसमें आजमगढ़ से दिल्ली चलने वाली कैफियत एक्सप्रेस, अमृतसर से जयनगर चलने वाली सरयू यमुना एक्सप्रेस
और अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर चलने वाली साबरमती एक्सप्रेस है। ये ट्रेनें अयोध्या रेलवे स्टेशन से रुककर गुजरती हैं, जिससे श्रद्धालु अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन ये श्रद्धालु रेलवे स्टेशन पर कैसे कोविड-19 से सुरक्षित हों, इस पर रेलवे प्रशासन बेहद ध्यान दे रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के अधीक्षक महेंद्रनाथ मिश्र का कहना है कि जब भी कोई ट्रेन अयोध्या रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली होती है, उससे पहले पूरे स्टेशन को सैनिटाइज किया जाता है। उसके बाद जब वह ट्रेन यात्रियों को उतारकर आगे निकलती है और यात्री जब स्टेशन को खाली कर देते हैं, तो एक बार फिर पूरे स्टेशन को सैनिटाइज किया जाता है। इस तरह पूरे अयोध्या रेलवे स्टेशन को सुरक्षित रखने के लिए कई बार सैनिटाइज किया जा रहा है। रेलवे की पहली प्राथमिकता है कि जो भी यात्री अयोध्या रेलवे स्टेशन आए वह सुरक्षित हो, कोविड-19 से सुरक्षित हो। अयोध्या के रौनाही थाना क्षेत्र में जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर उपजे विवाद में मारपीट के दौरान 10 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर जातिगत विवाद की आशंका को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। एसएसपी के निर्देश पर मामले की जांच एसपीसीटी को सौंपी गई है। घटना को लेकर स्थानीय थाने की पुलिस के विरुद्ध भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। मामला रौनाही थाना क्षेत्र स्थित किठावा ग्राम सभा का है। इस ग्राम सभा के अंतर्गत भागू का पुरवा में दो पड़ोसी भोला सिंह और पूनम निषाद पत्नी के बीच में आबादी की जमीन का विवाद था, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा स्टे ऑर्डर दिया गया था। उस जमीन पर गत रात्रि दोनों पक्षों के बीच दरवाजा खोलने को लेकर विवाद हुआ, जिस पर पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद दोनों पक्षों ने देर रात 10 बजे लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल लोगों को पुलिस ने अस्पताल भेजा। घायलों को स्थानीय राजकीय अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। मामले में जताई हिंसा के दृष्टिकोण से भी जांच की जा रही है। घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी दीपक कुमार ने कहा है कि मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय थाने में नियुक्त पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध की जांच के निर्देश दिए गए हैं। मामले में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जांच एसपीसीटी को सौंपी गई है। मौके पर एहतियातन पीएसी सिविल पुलिस और सादे वस्त्रों में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। एसएसपी दीपक कुमार ने कहा है कि घर के पास की जमीन को लेकर दो पड़ोसियों में लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिस पर माननीय न्यायालय से स्टे है। इसे किसी भी जातीय विवाद से जोड़कर ना देखा जाए। अगर कोई भड़काने का कार्य करेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।